नमस्कार दोस्तों, मल्टीटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपको लेकर के आया है, एक मेरे पास VCR का कैसेट आया है, VHS कैसेट। देखिए ये कब का है, 6/4/1990 का। इसमें फंगस तो बहुत लग चुका है और इसको मैं क्लीन करके और उसके बाद मैं आपको इसका वीडियो चला करके दिखा रहा हूँ। ये आया है बाहर से, ये आपको कुरियर द्वारा आया है और इसको क्लीन करने के बाद मैं चला करके दिखा रहा हूँ और पूरा प्रयास करूँगा। बहुत सारे फ्रेंड का मेरे क्वेश्चन था और कहने का उनका तात्पर्य ये था कि कुछ लोग तो ऐसे कमेंट किए, उनका कहना है कि बिना VCR का कैसे चलेगा। तो मैं उन कस्टमर को मैं बताना चाहता हूँ, उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि VCR के कैसे चलेगा। ये तो बात सही है, तो मैं कैसे चलाता हूँ इसको मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों देखिए, ये मैं इसको खोल कर लगा लिया है ये क्लीन करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये क्लीन करने के लिए, देखिए दोस्तों ये क्लीन हो रहा है। आपको क्लीन होने के बाद मैं इसको पूरा चला करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए मैं कैसे ही इसको क्लीन करता है। और इसका ये दोस्तों देखिए, ये एक लिक्विड आती है जो मैं इससे डाल करके, मैं इसमें डाल करके इसको वॉश करके, क्लीन करके, बिल्कुल फ्रेश करके तब मैं इसको चलाते हैं। तो दोस्तों मैं कैसे चलाते हैं, कौन सा VCR है या क्या है, मैं VCR से नहीं करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये कैमरा है, कैमरा को मैं ओपन कर रखा है, इसलिए कैमरा को ओपन कर रखा है कि इसमें ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो जैसे ट्रैकिंग आता है तो इसको ट्यून करके उसके बाद तब इसको चलाया जाता है। उसके बाद मैं इसको चला करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि मैं जो क्लीन करने का प्रोसेस बना रखा है, मैं ये खुद का प्रोसेस बना रखा है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये क्लीन हो रहा है, आपको मैं दिखा दूं। और क्लीन होने के बाद मैं कैसेट इसमें लगा करके मैं चला करके दिखाऊंगा कि कैसा चल रहा है। दोस्तों आप देखते रहिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे मेरे दोस्तों को बताएं कि ये कैसे होता है और क्लीन होता है तो कैसे चलता है। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों देखिए, ये क्लीन हो चुका, मैं अब इसको कैसेट के अंदर डाल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अब इसको इस कैसेट के हाउसिंग में लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको चला करके दिखाऊंगा कि ये कैसा चल रहा है। अब आपको बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है, आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी अभी इसको लगा करके। दोस्तों देखिए, ये इतनी प्रोसेस होती है और लोगों को लगता है कि बहुत कम परेशानी में ये हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों देखिए, इसको लगाने के बाद फिर इसको मैं स्क्रू से इसको लगाऊंगा। दोस्तों देखिए, ये कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं चला करके दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं इसे आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कि इसका अब कैसा पिक्चर क्वालिटी आएगा। मेरा भरपूर कोशिश रहेगा दोस्तों कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अभी इसका वीडियो चला करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये पिक्चर चल रही है और ये अभी फर्स्ट टाइम में है। शुरुआत में तो थोड़ा सा, कितना भी ये कीजिएगा, फर्स्ट थोड़ा सा तो प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी, आगे अब चलने के बाद और आपका इसका पिक्चर क्वालिटी बेहतर हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा
कि आपका कैसेट सही हुआ है नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे इसको चलने देते हैं और आगे इसका पिक्चर क्वालिटी और बेहतर, थोड़ा सा चलने के बाद पिक्चर की क्वालिटी और अच्छा आने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कैसेट को। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा कि ये कुरियर के द्वारा कैसेट मेरे पास आता है और मैं इसे बना करके फिर पार्सल करके जहां से आता है उनके एड्रेस पे मैं पार्सल कर देता हूं। तो दोस्तों आप इसे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आगे भी हमारे दोस्तों को इस तरह की वीडियो मिलता रहे ताकि अपने पुराने कैसेट को फिर से आप डिजिटल में आप करा करके देख सकें। बहुत सारे लोग अभी भी पिक्चर नहीं मिल पाता है जिसके वजह से बहुत सारे लोग का कैसेट पड़ी हुई है जो कि वो अपना पुराने शादी का कैसेट आप फिर से करा करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।